बिहार में बनेगा मोदी नगर और नीतीश नगर। हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार में मंत्री राम सूरत राय जी। ये बताइए क्या प्लानिंग है और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे? पूरे बिहार के अंदर पहले से गरीबों के लिए ज़मीन देने का प्रावधान है और अभी तक जो ज़मीन मिल रहे थे, जो जहां है जैसे पर्चा लोगों ने बांटा और वो पर्चा आज तक बहुत सारे दखल भी नहीं हुए हैं। तो मैंने देखा कि गरीबों के बीच में झंझट बहुत है, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सब गरीब को छत देना चाहते हैं, तो छत देना चाहते हैं तो ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन माननीय मुख्यमंत्री जी देना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि जहाँ हमारी सरकारी ज़मीन है मैं उस ज़मीन में से दूंगा, जहाँ ज़मीन सरकारी नहीं है मैं खरीद के दूंगा। तो मैं दोनों नेताओं के नाम पर प्रत्येक जिला के अंदर एक मोदी नगर एक नीतीश नगर जो 5 एकड़ से ऊपर 10 एकड़ के बीच में हो और 100-200 परिवार वहाँ बसे, तो उनको 3 से 5 डिसमिल लाभुक और ज़मीन की उपलब्धता के ऊपर हमने तय करेंगे और उस बीच में रोड का भी परिकल्पना करेंगे, बिजली का भी करेंगे, उनके आंगनबाड़ी केंद्र का भी हो और बच्चे के खेलने का प्लेग्राउंड भी हो। जैसे रियल एस्टेट करते हैं तो उसका सपना बड़े लोगों का साकार होता है लेकिन गरीब का साकार नहीं होता है, इसलिए गरीब के हित में गरीब के बच्चों को ये न लगे कि मैं कहीं गरीब का बेटा हूँ, उसको भी प्लेग्राउंड हो, उसका भी बिजली हो, उसका भी घर हो, उसका भी स्कूल हो। और उस मोदी नगर और नीतीश नगर के नाम पर बसाऊंगा और मेरा प्रयास है ये पूरे बिहार के अंदर हो और उसका उद्घाटन भी मैं करवाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये कब शुरू करने जा रहे हैं आप, क्या निर्देश दिया? कटोरिया जिला के रजौन में यह काम सबसे पहले शुरू होगा और वहाँ जमीन चिन्हित भी कर लिया गया है, बरसात के बाद मैं इस काम को जल्द करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिहार में एक चीज देखा जाता है कि कई जो सरकारी प्लॉट हैं उस पर झगड़ा बहुत है, तो इसको लेकर क्या ये कदम उठाया गया है? झगड़ा तो निश्चित रूप से जमीन पर सबों की नजर है, पुरानी कहावत है जमीन जोरू जोर के न तो किसी और के। मैं इस जोर को समाप्त करने वाला हूँ, तमाम माफियाओं का नकेल कसने वाला हूँ, कमर तोड़ के रख दिया हूँ और कमर तोड़ूंगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। और अतिक्रमण के मामले में मैंने 1644 अतिक्रमण खाली कराया है, अभी 3000 अतिक्रमण और खाली होंगे और कल बजट पास हुआ है, 5 करोड़ रुपया अतिक्रमण के लिए पास कराया गया स्पेशल, और पहली बार अतिक्रमणों पर प्रहार होगा और गरीबों के साथ न्याय होगा। गरीबों को नहीं उजारा जाएगा, गरीबों को अगर सुयोग श्रेणी के लोग अगर कहीं बसे हुए हैं तो उनको मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं कहीं ज़मीन दे के शिफ्ट करके बस उजारूँ। वैसे अमीर लोग माफिया लोग अगर कहीं बना लिए हैं तो उनकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, न मानने पर उनको जेल भी भेजा जाएगा। बिहार में कहाँ कहाँ ये बनाने का प्लानिंग है मोदी नगर और नीतीश नगर? जिला का अभी तो मैंने बताया, कटोरिया मतलब ये बांका के रजौन प्रखंड में ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है और चिन्हित कर लिया गया ज़मीन। और प्रथम फेज में मेरा प्रयास हो कि सरकारी ज़मीन हमारा कहाँ है, सरकारी ज़मीन को मैं चिन्हित करूंगा। जहां सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने MBR के रेट पर खरीदने का क्रय नीति के तहत फैसला लिया है, पैसा भी दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो खरीद के उन गरीबों को भी मैं ज़मीन दूंगा। क्या इन दोनों लोगों की सहमति बन गई है इस नाम पर? ये तो पर्चा चल रहा है, सहमति क्या है, मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरी भावना है, मैं करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब बिहार में बनेगा मोदी नगर और नीतीश नगर, जाहिर सी बात है समझा जा सकता है कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं राम सूरत राय, जिन्होंने ये काम शुरू किया है और इसकी पहली शुरुआत बांका के कटोरिया से होगा। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।